नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने। अभी कुछ दिन पहले भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3 दिन की सुनवाई करने के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे जो केसेस हो रहे थे उसके जजमेंट को रिजर्व कर दिया है। ये सुनवाई जो है ये बहुत लंबे समय के बाद हुआ। पहला इसके एप्लीकेशन फाइल हुआ था 2019 में, तब से लेके काफी समय हो गया है। और सबसे पहले 2017 के बजट पे ये केंद्र सरकार ये कानून को लाई थी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। मुद्दा है इलेक्टोरल फंडिंग का, और इसके बारे में हम बात करेंगे विपुल मुद्गल के साथ, जो फिलहाल कॉमन कॉज के डायरेक्टर हैं, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स के साथ भी जुड़े हुए हैं, और इन दोनों संस्थाओं के साथ जुड़ने और सिविल सोसाइटी के एक बहुत ही लीडिंग मेंबर बनने के पहले बहुत लंबे समय तक पत्रकार रहे हैं। तो विपुल जी, सबसे पहले तो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने का, आपके साथ एक बार फिर से बैठ के थोड़ी बहुत चर्चा करने का मौका मिल रहा है। बहुत लंबा सफर हम लोगों ने तय किया है। मैं हिसाब लगा रहा था कि हम और आप जब से इस पेशे में आए, पत्रकार बने अर्ली 1980s से, तब से पहला चुनाव जो 1984 का था उसमें हम लोगों की प्रोफेशनल इनपुट इन्वॉल्वमेंट कम रही होगी, लेकिन तब से लेके अब तक 10 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हम लोगों ने देख लिया है, और पहले इलेक्शन से लेके आखिरी इलेक्शंस तक। और आज भी हम ये बात कर रहे हैं कि चुनाव में फंडिंग को लेके कुछ करना चाहिए, इसको फेयर करना चाहिए, ताकि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको अनफेयर तरीके से उसको फंड्स दूसरों की तुलना में नहीं मिले। डेमोक्रेसी अगर सही मायने में कॉम्पिटिटिव है तो फिर उसके फंडिंग भी इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इतने लंबे समय के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसके बारे में कुछ आपके मतलब एंग्जाइटीज, एप्रीहेंशंस और फिर उम्मीदें, इन सब के बारे में मिली जुली बातें आपसे सुनना चाहेंगे। और सबसे पहले तो खैर मतलब आपको इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। नीलांजन जी, मैं आपका प्रशंसक हूँ, ये आप जानते हैं, और आपके कार्यक्रम मैं देखता भी हूँ। और जैसा आपने कहा कि इतने लंबे समय से हम लोग इलेक्शंस को देख रहे हैं, तो पहली चीज तो मुझे समझ में ये आती है कि इलेक्टोरल फंडिंग को अगर हम अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा, और हमें ये समझना पड़ेगा और ये स्वीकार करना पड़ेगा कि इससे पहले भी आप देखिए अमृतकाल चल रहा है, 75 साल हो गए हैं, और पहले भी 75 सालों में जो दशा और दिशा है इलेक्टोरल फंडिंग की वो बड़ी पैथेटिक और बड़ी दयनीय है और बहुत खराब रही है। और जिस तरह से पैसा बहाया जाता है, जिस तरह मसल पावर का इस्तेमाल होता है, तो मुझे सच बताऊं तो शुरू में जब ये आया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ अच्छा होने वाला है, जैसा पहले नहीं होता था। और हम लगातार ये देखते कि सत्ता पक्ष को हमेशा से फायदा मिलता रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अपोजिशन को हमेशा नुकसान होता रहा है। तो ऐसा लगा कि शायद इस बार कुछ नया परिवर्तन हो जाए, लेकिन जैसे जैसे वो सूरत आगे बढ़ी और तो फिर ये नजर आया कि ये मेरे हिसाब से, नीलांजन जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 75 साल में भारत की राजनीति में सबसे रिग्रेसिव और प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक जो चीजें हुई हैं उनमें से ये शामिल है। तो ये पहले तो एक आपने कहा उम्मीद तो टूट गई, ऐसा लगा था कि पहले जो पुरानी सरकारें जो खराब काम कर रही थी शायद वो बंद हो जाए, तो वो बंद तो नहीं हुआ। और बीच में कुछ ऐसा भी लगा था कि देखिए शायद चूंकि डिजिटल जमाना है, डिजिटल पेमेंट के ऊपर जोर है, तो शायद काले धन के ऊपर इसका असर पड़ेगा, लेकिन अब जो समझ में आ रहा है धीरे धीरे, 6 साल हो गए इस स्कीम को लागू हुए भी, कि ये काले धन को कम नहीं करेगा बल्कि
उसको बढ़ावा ही देगा एक तरह से। चुनाव की फंडिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, चूंकि हम लोग इस कार्यक्रम में थोड़ा बहुत ऐतिहासिक बैकड्रॉप को लेके आते हैं, एक जो चीज के बारे में हम लोग अक्सर बात करते आते हैं कि वो है कि जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनने के पहले जब होम मिनिस्टर थे तो 1962 में एक कमिटी बनाई गई थी संथानम कमिटी करके, जो हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का अध्ययन करने के लिए और उसके बाद उसे किस तरह से जूझा जाए उसके रिकमेंडेशंस के लिए सबसे पहले वो कमिटी बनाई गई थी। तो उस कमिटी में भी क्लियर रिकमेंडेशन था कि पॉलिटिकल फंडिंग जो है राजनीतिक दलों का, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सब पार्टीज को अकाउंट्स सबमिट करने चाहिए, फंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद से हम लोग पत्रकारिता में पता नहीं कितने आर्टिकल आपने लिखे होंगे, कितने हमने लिखे होंगे कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस पे एम्फेसिस देते आए हैं। एक मोटे तौर पे कि सब एग्री करते हैं कि बात तो साहब आप बहुत सही कर रहे हैं, लेकिन जब भी कोई भी पार्टी सत्ता में आ जाती है उसके बाद उससे मुकर जाती है। भारतीय जनता पार्टी के ही अगर मैं 1980 से उनके रेजोल्यूशंस हों तो मेरे ख्याल से मैं 100 के करीब रेजोल्यूशंस आराम से निकाल दूंगा, जिसमें उन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में बात की है, फंडिंग को ट्रांसपेरेंट करने की बात की है। लेकिन चाहे वो 1998 से लेकर 2004 के बीच में जब अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री हों, या जब से 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब से लेके अब तक की बात हो, ये वही हो जाता है कि जो सिस्टम में जो इनग्रेंड है उसी को किस तरह से फायदा लेते रहिए आप। तो इसको किस तरह से आप, मतलब हम लोग जो सिविल सोसाइटी मीडिया में जो लोग हैं, इसको हम लोग किस तरह से काउंटर कर सकते हैं कि प्रेशर बने? देखिए, प्रेशर तो सचमुच सिविल सोसाइटी से भी बनता है और जनता से भी बनता है, लेकिन जनता को उसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। देखिए, एडीआर का एक केस था जो करीब 22-23 साल पहले, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट से ये याचिका की गई थी कि सारे कैंडिडेट्स अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताएंगे एफिडेविट पे और अपने ऊपर लगे हुए सारे क्रिमिनल केसेस बताएंगे और अपनी और अपने परिवार की जो आर्थिक स्थिति है, जितनी आपके पास एसेट्स हैं, जितनी आपकी लायबिलिटीज हैं, जितने आपके पास संपत्ति और पैसा है, उसका भी आप ब्यौरा देंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी एक वो शुरू हुई उससे। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ बहुत प्रगति भी हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीच में एक बहुत कहना चाहिए ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन बन के उभरा था, लेकिन अब धीरे धीरे देखने में आ रहा है कि उसकी ताकत का क्षरण हो रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि इस बार पहले ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे आप चर्चा कर रहे हैं, तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए तो उन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन जो प्रचलित जो अब तक की पद्धति थी उसमें किया। और उस परिवर्तन में एक बड़ी बात देखने की ये थी कि बड़े बड़े जो 5 अमेंडमेंट्स हुए एक साथ, एक तो आरबीआई एक्ट था जो 1934 का आरबीआई एक्ट है, उसमें संशोधन किया गया, फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा, इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, उसमें संशोधन किया गया, अगेन फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा, और उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उसमें भी संशोधन किया गया, कंपनीज एक्ट में भी संशोधन किया गया, और उसके अलावा जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है FCRA एक्ट, उसमें भी परिवर्तन किया गया। तो इसमें ये देखने वाली बात थी कि एक बहुत बड़ा, जो इतना बड़ा परिवर्तन पहले कभी नहीं हुआ। तो ये जो था, लेकिन इसमें क्यूरियस मेरे हिसाब से बात ये थी कि अगर आप इतना बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं और संसद के थ्रू कर रहे हैं तो कम से कम उसके ऊपर डेलिब्रेशन तो होना चाहिए, कम से कम संसद उसके ऊपर मुक्त बातचीत अच्छी तरह से, मतलब देखिए पॉलिसी डिस्कशन भी होना चाहिए, पॉलिसी कंटेस्टेशन भी होना चाहिए, और उसके सारा लुब्बो लुबाव निकल के आए, उसके ऊपर काफी उसकी अच्छाइयां बुराइयां सब कुछ हो, और उसके ऊपर जो अपोजिशन का बड़ा भारी रोल होता है, इंस्टीट्यूशंस का रोल होता है। तो जब ये आया तो हमने देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ ऑब्जेक्शंस किए,
और या कहना चाहिए कि कुछ एप्रीहेंशंस उन्होंने व्यक्त किए। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कुछ एप्रीहेंशंस, कुछ रिजर्वेशंस, कुछ दिक्कतें कि भाई इससे काफी मुश्किल हो सकती है। तो हुआ ये कि आपने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया इलेक्टोरल फंडिंग में, आपने उसके बाद बहुत बड़े बड़े संशोधन किए, लेकिन उनको आप मनी बिल के रूप में लेके आए, जिससे कि उसके ऊपर डिस्कशन ना हो, डिबेट ना हो, कंटेस्टेशन ना हो। तो फिर राज्यसभा में प्रॉब्लम ना हो क्या? ये बिल्कुल नहीं, मनी बिल था तो राज्यसभा में भी उसके ऊपर डिस्कशन की आवश्यकता नहीं थी, तो उसमें सिर्फ वोटिंग की आवश्यकता थी। तो उसमें जैसे मनी बिल में हमेशा होता है बजट पास हो जाता है, तो जैसे बजट पास हुआ तो उसके साथ साथ वो मनी बिल होता है, उसके साथ साथ ये सारे संशोधन एक बार में एक झटके में पारित कर दिए गए। तो ये भी समझना मेरे ख्याल से बहुत आवश्यक है कि इसमें हुआ क्या है। देखिए, जैसे आपने पहले जिक्र किया था कि जिस तरह से ऐतिहासिक तौर पे हम लोग चलते आए हैं, उसमें हमने पहले शुरू में भारत में ऐसा था कि जो कॉरपोरेट्स थी, जो बड़ी कंपनियां थी, कॉरपोरेट घराने थे, वो कॉरपोरेट के रूप में चुनाव में भाग नहीं ले सकते थे, वो व्यक्ति के रूप में ले सकते थे। यदि मान लीजिए मैं किसी बड़ी कंपनी का मालिक हूं, मैं बिरला हूं, मैं टाटा हूं, मैं अंबानी हूं, मैं अडानी हूं, कोई भी हूं, तो मैं अपनी व्यक्तिगत संपत्ति दे सकता हूं, कंपनी नहीं दे सकती अपने पैसे से, लेकिन कंपनी नहीं करेगी। बहुत दुनिया में, बहुत सारे देशों में ये है कि भाई कंपनी क्यों करे? कंपनी का तो कोई भी राजा हो उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको तो राज्य करना है और उसको उसको तो अपना व्यापार करना है और राज करने वाले को राज करना है, तो कंपनी उसमें क्यों आए? तो पहले कंपनियां आई, पहले ये हुआ कि, और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी से पहले की बात है, तो ये समझना भी बड़ा आवश्यक है कि ये जो दरवाजा खोला गया कि कॉरपोरेट इसमें हिस्सेदारी कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उसमें एक कैप थी। उसमें ये था, दो बातें थी कि एक तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होनी चाहिए, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं होनी चाहिए, और जो प्रॉफिट लगातार 3 साल से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है वो अपने 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 7.5% तक दे सकती है, तो उसके ऊपर एक कैप था। अब उस कैप को हटा दिया गया है, तो इसमें दो बातें हो गई। तो एक तो ये हो गया कि लॉस मेकिंग कंपनी भी आ सकती है, और उसमें तो आप मान लीजिए हमारा बाजा बजा हुआ है, कंपनी हमारी बैठने वाली है, कोई फायदा नहीं हो रहा, लोगों का नुकसान हो रहा है, शेयर होल्डर का नुकसान हो रहा है, और हम किसी पार्टी के साथ में सौदेबाजी कर रहे हैं, उसको हम पैसा दे रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी। दूसरा, हमारे पास 100 करोड़ की संपत्ति है, हमने 100 करोड़ पूरा दे दिया, अपना कैपिटल भी दे दिया, अपना रिजर्व भी दे दिया, वाह, ऐसा तो सिर्फ शेल कंपनीज कर सकती हैं जिनका निर्माण इसलिए किया गया हो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को काला धन देने के लिए। तो ये जो तरीका हुआ पहला, ओपनिंग द फ्लड गेट्स ऑफ कॉर्पोरेट मनी फॉर इलेक्टोरल फंडिंग, ये बहुत खतरनाक था। दूसरा, भारत में चूंकि आप फिर एक बार इतिहास की बात कर रहे हैं, तो शुरू से आजादी के समय से उसके बाद से ये एंग्जाइटी बहुत ज्यादा थी हमारे लोगों के मन में, नेताओं के मन में भी और जनता के मन में, इंटेलेक्चुअल्स के मन में भी, कि भारत को बहुत खतरा है विदेशी ताकतों से। तो विदेशी ताकतें किसी भी प्रकार की हों, कितनी भी बड़ी हों, वो भारतीय इलेक्शन में हिस्सेदारी नहीं कर सकती जी। तो ये जो फॉरेन कंपनीज का था, एक ही इंस्टेंस ऐसी थी जिसमें संयोग से दोनों बड़ी पार्टी, कांग्रेस भी और भारतीय जनता पार्टी भी, दोनों ने एक फॉरेन कंपनी से पैसे लिए थे, लेकिन उन्होंने वो भी अमेंडमेंट एक किया, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया, और उनका दोनों का अपना माफ कर दिया। तो ये जो अभी नया दरवाजा खुला है, उसमें जो अगर आप किसी फॉरेन कंपनी की इंडियन सब्सिडरी हैं, तो आप भारतीय इलेक्शन में पैसा दे सकती हैं। तो यानी कि ये भी मेरे हिसाब से इतिहास के पन्नों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ कि कोई भी चीनी कंपनी, पाकिस्तानी कंपनी, और हमें यह भी पता है कि हो सकता है कि कोई चीनी कंपनी की शेल कंपनी हो, शेल कंपनी की दूसरी शेल कंपनी हो, वो मॉरिशस में रजिस्टर्ड हो, उसकी चौथी शेल कंपनी हो, जो सेशेल्स में रजिस्टर्ड हो, उसकी पांचवी कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर्ड हो, कहां से पैसा आ रहा है पता ही नहीं चल रहा, और उसकी कोई इंडियन सब्सिडरी हो, वो जितना पैसा चाहे उसको दे सकती है। तो ये एक बहुत खतरनाक बात इलेक्टोरल बॉन्ड में दूसरी थी। और तो इसी प्रकार से हमने ये देखा कि इसमें शेयर होल्डर्स को नहीं पता कि कंपनी कैसे पैसा देगी, तो डिस्क्लोजर के जो नॉर्म्स थे
वो बड़े अजीब और गरीब हैं, तो वो शेयर होल्डर्स को नहीं पता। तो शेयर होल्डर्स की भी अपनी एक डेमोक्रेसी होती है कि कंपनियां जिस प्रकार से चलाई जाती हैं उसमें शेयर होल्डर्स को अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। और अंत में ये है कि जी, तो अंत में ये भी है कि जो राइट टू नो है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, वो इतना आवश्यक है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन तब तक हो ही नहीं सकता जब तक कि जनता को पूरी तरह से ये पता ना हो कि ये पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, इसकी क्या आइडियोलॉजी है, इसको पैसा कहाँ से मिलता है, इसको कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और उससे ये भी पता लगता है कि अगर वो पॉलिटिकल पार्टी किसी से पैसा ले रही है तो कल को उसके लिए जब काम कर रही होती है तो पता लग जाता है, क्विड प्रो को जैसे कहते हैं कि आपने मुझे पैसा दिया, मैंने आपके लिए कुछ काम कर दिया। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये अब तक की अतीत की जो भी इतिहास की व्यवस्थाएं हैं उससे बहुत अलग है। और मुझे नहीं लगता कि दुनिया के बहुत सारे देशों में, शायद डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कम से कम, इस तरह की व्यवस्था नहीं है। जी, आपने राइट टू नो की बात की, मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन की जो हियरिंग हुई, सबसे पहले तो मेरे को, मतलब आप समझाइए हमारे जो लोग कार्यक्रम को देख रहे हैं, कि 2017-18 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस होते हैं, आप लोगों का पहला एप्लीकेशन जाता है मार्च 2019 में ADR और कॉमन कॉज का, उसके बाद नवंबर 2019, अक्टूबर 2020, मार्च 2021, नवंबर 2022, दिसंबर 2022, ये सब टाइमलाइन के अलग अलग इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। ADR और कॉमन कॉज दोनों के एप्लीकेशन यहाँ फाइल होते हैं। आम जनता को आप किस तरह से समझाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का इतना विलंब से फायदा किसको हुआ? आप लोगों ने डेटा का भी एनालिसिस किया, ये बॉन्ड्स खरीदी गई है, किस पार्टी को कितना जमा हुआ है, इसके बारे में भी कुछ बड़े क्लियर आंकड़े निकले हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 57% आंकड़े मिले, करीब 10% जो बॉन्ड्स हैं वो कांग्रेस को गए और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज को मिला जुला के जो कुछ बाकी जो बॉन्ड्स की जो वैल्यू है वो जाके पहुंचता है। तो एग्जैक्टली हमको ये अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन समझाने की कोशिश करिए हमारे जो व्यूअर हैं उनको, उनके लिए। देखिए, एक तो ये है कि पूरी कंप्लीट पिक्चर ये होगी कि जो भी रूलिंग पार्टी है उसको फायदा हुआ, तो जो बाकी पैसा बचा, जो आपने कहा कि एक बड़ा बड़ा जो भाग है उसका, वो सत्ता पक्ष के पास गया, केंद्रीय सत्ता पक्ष के पास, उसके अलावा जो बचा जो स्टेट्स में जो रूलिंग पार्टीज हैं उनके पास जा रहा है। तो जैसे पश्चिम बंगाल में है या तेलंगाना में है या दूसरी जगहों पे राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में जहां जहां है, तो वो रूलिंग पार्टीज के पास पैसा ज्यादा जाने की टेंडेंसी हमेशा से है और वो रहेगी। तो इसमें कोर्ट का, मुझे लगता है कि कोर्ट का रिलक्टेंस जो था शुरू में, वो पहले तो कोविड वगैरह आ गया तो वो ये कह सकते हैं कि भाई बहुत समय, वो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस को सिर्फ उठाया जा रहा था तो वो कुछ डिले उसकी बाबत भी हुआ, और उसके बाद साल दो साल के बाद जो लगातार एफिडेविट्स दिए गए सरकार की तरफ से, बहुत मतलब फर्मली ये कहा गया कि भाई ये तो इसका उद्देश्य ही पारदर्शिता बढ़ाने का है, इसका उद्देश्य ही सिर्फ ये है कि इसको लाया ही इसलिए गया है कि काला धन समाप्त हो सके और इलेक्टोरल फंडिंग को साफ सुथरा बनाया जा सके, क्योंकि इसमें सिर्फ चेक से या मनी ट्रांसफर से पैसा दिया जा सकता है। तो यानी कि जो पहले काले धन का वो होता था, तो ये तो कोर्ट इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज था, कोर्ट को ऐसा लग रहा था कि शायद ये कंटेंशन, मतलब सरकार की बात तो माननी चाहिए, आफ्टर ऑल एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था होती है सरकार, लेकिन इसमें एक बात और देखने में आई कि जो देखिए काला धन जो आता था, अब तक यह था कि 20,000 रुपए तक अगर कोई देता था तो उसके लिए उसको रसीद देने की जरूरत नहीं थी और उसका कोई अकाउंट रखने की जरूरत नहीं थी। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये कहा करती थी कि जितना पैसा मिला, हमारे पास 200 करोड़ मिला या 500 करोड़ रखा है या जो भी को चाहिए, हमारे पास 20,000 रुपए आए, कोई लिफाफे में डाल के दे गया या कहीं पे हमने जनसभा की चद्दर फैलाई, जो पैसा जमा हुआ ये वो पैसा है।
तो आप या तो उसको समाप्त कर देते, भाई जैसे आप ये किया गया भारत में, बड़ा अच्छा किया गया कि आप सब्जी खरीदने भी जाते हैं, एक बैगन भी खरीदते हैं तो आप उसका डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर कोई एक रुपए की रसीद या दस रुपए की रसीद भी कटा रहा है पॉलिटिकल पार्टी से, फौरन उसको रसीद दे दीजिए, और उसको किस बात का काला धन, और उसको अगर ऐसा भी होता है कि आप कहीं पे चादर फैला के ले रहे हैं तो उसका हिसाब कीजिए तुरंत, और उसका ब्यौरा उसी दिन दीजिए कि भाई इतना पैसा हमारे पास जमा हुआ और यहां से आया। तो ये जो एक तरीका था, अगर आप काले धन पे चोट करना चाहते थे तो उसके बहुत सारे तरीके खुले हुए थे सर, अभी भी खुले हुए हैं, अगर वो अभी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है उसको लेके थोड़ा थोड़ा सरकता गया, और ये बात सही है कि ये प्रश्न हमेशा हमारे दिमाग में रहेंगे कि जब बहुत सारे ऐसे मामले जो कि उतने महत्वपूर्ण नहीं भी थे लोकतंत्र की दृष्टि से और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की दृष्टि से, उनको बहुत जल्दी सुनवाई कर ली गई और इसकी सुनवाई नहीं हो पाई, और उसके बाद फाइनली जब हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाई। अच्छी बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो भी रूलिंग आएगी वो काफी अच्छी संयत आएगी, लेकिन ये पहले भी किया जा सकता था, बिल्कुल। तो अब उसमें जाने का तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन उसमें जाने की सबसे बड़ी बात यह, कोर्ट को लगातार ये भी चिंता थी कि इससे पहले की जो व्यवस्थाएं थी वो कैसी थी। तो ये बात सही है कि इससे पहले की व्यवस्था में इलेक्टोरल ट्रस्ट एक होता था, जो इलेक्टोरल ट्रस्ट उतना बुरा नहीं था, इलेक्टोरल ट्रस्ट में थोड़ी बहुत पारदर्शिता थी, लेकिन मुझे लगता है कि कोर्ट को ये नहीं देखना कि ये सक्सेसफुल स्कीम है या अनसक्सेसफुल स्कीम है, कोर्ट को ये भी नहीं देखना कि किसका क्या नजरिया था, किस वजह से लाई गई, कोर्ट को सिर्फ ये देखना है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और हमारा एक पिटिशनर के रूप में कहना है कि चूंकि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन में बाधा डालता है, और चूंकि ये एक तरह से लोकतंत्र को खतरे में डालता है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और हमारे यहाँ जो व्यवस्था दी गई है बहुत अच्छी तरह से हमारे यहाँ इस बात की व्यवस्था दी गई है संविधान में कि यदि कोई भी चीज इलेक्टोरल प्रोसेस में बाधा डालती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में बाधा डालती है, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो हमारे हिसाब से तो होना चाहिए, अब आने वाले समय में पता लगेगा कि किस प्रकार से कोर्ट उसे, कोर्ट इसको किस तरह से देखती है। आम जनता तो ये भी सोचेगी कि अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन हुआ और सिर्फ 3 दिन मात्र में हियरिंग खत्म हो गई, तो अगर 3 दिन आप 6 साल इतना ज्यादा इंतजार, कहीं ना कहीं आम जनता के नजरों में ये चीज खटकेगी। एक और इससे रिलेटेड मैं आपको ये स्पष्टीकरण दे दूं कि उसमें चूंकि फाइनल हियरिंग के लिए उन्होंने डेट दी हुई थी और उससे पहले बहुत सारे एफिडेविट वगैरह सबमिट हो गए थे, तो कोर्ट को ऐसा लगा कि अब हम फाइनल हियरिंग पूरी सुन लेते हैं, सभी पक्षों की सारी बातें, तो उनको समय तो उन्होंने दिया, जैसे पार्लियामेंट में बिल्कुल समय नहीं मिला, उस हिसाब से तो कोर्ट ने कम से कम समय तो दिया, उस तुलना में कोर्ट ने कम से कम समय दिया। ये अच्छा किया कि आपने क्लैरिफाई किया जो लोगों को समझ में आया होगा। एक और जो इसके साथ रिलेटेड मुद्दा है कि कहां से पैसा आ रहा है उसको डिस्क्लोज नहीं करना। अटॉर्नी जनरल ने तो यहां तक बोल दिया कोर्ट में कि सिटीजंस डू नॉट हैव द राइट टू नो द सोर्स ऑफ फंड्स रिसीव्ड बाय पार्टीज। तो बॉन्ड किसने दिया, आपको कितना पैसा आया है इलेक्टोरल बॉन्ड से, किस कंपनी ने दिया है, इसकी भी जानकारी लोगों के पास नहीं। तो इससे तो ये एक हमेशा सस्पिशन रहता है कि जिस पार्टी को 57% जो रूलिंग पार्टी है इनको 60% के करीब मिल रही है, तो क्या उन्हीं पार्टी से मिल रही है जिनको कि हम कहते हैं कि पिछले 9 साल में एकदम ड्रामेटिक ग्रोथ हुई है उनकी। नहीं, इसमें और बहुत खतरनाक बात है, इसमें जैसे कि शेल कंपनीज हैं जो कि जो काला धन जो जमा किया जा रहा है जिन भी तत्वों के द्वारा, वो काला धन देश के बाहर जाए और किसी कंपनी के नाम पे लग के सब्सिडियरी के नाम पे वापस आके हमारे इलेक्शंस में लग जाए, तो ये बहुत खतरनाक बात है। इसमें और भी कोई छोटे छोटे पहलू जो कि कोर्ट के संज्ञान में लाए गए हैं, उसमें से एक ये है कि चूंकि स्टेट बैंक को पता है इसलिए ये माना जा सकता है कि सरकार को पता है, अगर सरकार चाहेगी तो जो उसकी अपनी आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स होती हैं और जो उसके तरीके होते हैं, आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के थ्रू किसी भी चीज के मार्फत आप ये जानकारी निकलवा सकते हैं कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। मान लीजिए किसी उद्योगपति ने 100 करोड़ के, मान लीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे
और सत्ता पक्ष को ये शक है कि यह दूसरी पार्टियों को जाएगा पैसा, तो वो उनको फोन कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं सुनाए सर आपने बॉन्ड्स खरीदे, आपकी तो बहुत सारी यू नो आप परमिशंस बाकी हैं, आपके साथ तो बहुत कुछ हो सकता है, तो वो उनको दबाव डाल सकते हैं और उनसे पैसा निकलवा सकते हैं। और ऐसे लोग जो अपोजिशन पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं या नॉन रूलिंग पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उनके छापे पड़ सकते हैं, इनकम टैक्स के पड़ सकते हैं, ईडी के पड़ सकते हैं, सीबीआई के भी पड़ सकते हैं, और ऐसा देखने में भी आया है कि पड़ते रहे उस तरह के छापे। तो ये जो दोनों बातें हैं, मतलब इसमें हमारी में कहा गया इट्स आर्बिट्रेरी, इट्स कैप्रिशियस, इट्स डिस्क्रिमिनेटरी, तो ये तीनों जो चीजें हैं ये इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक तरह से बनाती हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इसकी आवश्यकता सत्ता पक्ष को नहीं थी, क्योंकि उनको वैसे भी ज्यादा पैसा मिलता, तो कहीं ना कहीं ये संदेह भी होता है कि कहीं ये इसलिए तो नहीं लाया गया कि अपोजिशन के ऊपर अंकुश लगाया जा सके और अपोजिशन के पास जो भी जरा भी पैसा जा रहा है उसे पूरी तरह रोक दिया जाए और जो भी जाए वो पैसा सत्ता पक्ष के पास जाए। इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो मुद्दा है देश में, जो बाकी जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स हैं, जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसी के पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए। और आपने जिस तरह से समझाया उसमें मतलब पूरी तरह से समझ में आया कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स कितना खतरनाक है, इससे डेमोक्रेसी कितनी अंडरमाइन हो रही है और क्यों ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि हम ये उम्मीद रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट की ये अल्टीमेटली उनको भी लगे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इसको नलीफाई कर दें, इसकी उम्मीद हम कर सकते हैं। जो भी फैसला आएगा उसके बाद सिविल सोसाइटी की तरफ हम फिर से देखेंगे उसकी असेसमेंट करने के लिए। तो विपुल जी आपके साथ बात हम फिर करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा, उसको समझने के लिए, उसको डिकोड करने के लिए। हमारे श्रोताओं को आके बहुत ही संक्षेप में इन चीजों को समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।